अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SLR लर्निंग प्लैनेट। आज हम बात करेंगे बिग नंबर्स और स्मॉल नंबर्स के बारे में। कभी कभी छोटे बच्चों में बिग नंबर्स और स्मॉल नंबर्स का कंसेप्ट डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसके जरिए आप बच्चों में बिग नंबर और स्मॉल नंबर का कंसेप्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों को नंबर कंपैरिजन सिखाने के लिए आप इस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। ये नंबर स्केल मैथ्स के बहुत से कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करती है। चाहे आप बच्चे को एडिशन सिखा रहे हों, सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हों या फिर स्किप काउंटिंग सिखा रहे हों, ये नंबर स्केल बहुत इस्तेमाल होता है और बच्चे इसके जरिए बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शुरू में बच्चे के साथ इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल ना करें। इससे बच्चे शुरू में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करें क्योंकि बच्चे इससे पहले से ही फेमिलियर होते हैं। वो अपनी मैथ्स की कॉपी में इसी तरह नंबर लिखते आते हैं। वर्टिकल नंबर लाइन के जरिए आप बच्चों को स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर बहुत आसानी के साथ सिखा सकते हैं। आप नंबर लाइन पर बच्चे से पूछें कि 4 से पहले कौन सा नंबर आता है। बच्चा बताएगा कि 3। फिर आप उससे पूछें कि 4 के बाद कौन सा नंबर आता है। बच्चा आपको बताएगा कि 5। इस तरह आप बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें। जब बच्चा नंबर लाइन के साथ फेमिलियर हो जाए तो आप बच्चे को बताएं कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है और जो बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है। अब आप कोई से दो नंबर ले लें सिंगल डिजिट और बच्चे के साथ डिसाइड करें कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। मिसाल के तौर पर हम एक नंबर ले लेते हैं 8 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 3। अब इन में से हमने डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। बच्चे को कहें कि नंबर रीड करते हुए वो देखे कि कौन सा नंबर पहले आता है। 1, 2, 3। बच्चा आपको बताएगा कि 3 पहले आता है, 4, 5, 6, 7, 8 बाद में आता है। तो जो नंबर पहले आता है वो नंबर स्मॉलर होता है, इसलिए हम यहाँ पे हम स्मॉलर को ऐसे सर्कल कर देंगे। अब हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं नंबर 7 और 5। इसमें आप बच्चे से पूछें कि 7 और 5 में से कौन सा नंबर नंबर लाइन पर पहले आता है। बच्चा देख के बताएगा 1, 2, 3, 4, 5। 5 पहले आता है और फिर 6 और 7, 7 बाद में आता है। जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर होता है। तो आप यहाँ पे हम इस स्मॉलर नंबर को ऐसे सर्कल कर देंगे। स्मॉलर और बिगर नंबर का कंसेप्ट आप बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये दो नंबर लेती हूँ 6 और 8। अब इसमें से आप बच्चा कैसे बताएगा कि कौन सा नंबर बिगर है। इसके लिए मैंने ये लीगो के ब्लॉक्स लिए। आप बच्चे को कहें कि बच्चा टावर बनाए, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 8 हैं तो हम 8 ब्लॉक्स लेंगे और उसका 8 ब्लॉक्स का टावर हम ऐसे बनाएंगे 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये 8 ब्लॉक्स का हमने एक टावर बना दिया। अब दूसरा नंबर लेंगे हम 6 और यहाँ से हम 6 ब्लॉक्स का एक टावर बना लेंगे। अब बच्चे को कहें कि बच्चा कंपैरिजन करे कि कौन सा टावर जो है वो बिग है। तो इससे पता लग जाएगा कि ये टावर बिग है और ये स्मॉल है और हम इस स्मॉलर नंबर को सर्कल कर देंगे। इससे भी बच्चों का स्मॉलर और बिगर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हम डबल डिजिट नंबर की तरफ। इसमें आपने बच्चे को पहले टेंस और वंस का कंसेप्ट देना है। टेंस और वंस का कंसेप्ट देने के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में ऐड कर दूंगी। आप वहां से भी देख सकते हैं। मिसाल अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक नंबर है 32 और दूसरा नंबर है 16। अब हमने बच्चे से पूछना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलर है। इसमें आपने लेफ्ट वाले नंबर को देखना है, ये यहाँ पे
जो नंबर टेंथ प्लेस पे है हमने उस नंबर को देखना है। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन सा नंबर नंबर लाइन पर पहले आता है। 1 पहले आता है 3 से, तो कौन सा नंबर स्मॉलर हुआ? 16। तो यहाँ पे हम 16 को ऐसे सर्कल कर देंगे। अब आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू भी बच्चे को सिखा सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर बिगर है। मैंने ये दो नंबर्स लिए हैं 15 और 28। 15 में 5 जो है वो वंस प्लेस पे है, 5 हमारा वंस प्लेस पे है और 1 हमारा टेंस प्लेस पे है। इसी तरह 28 में 2 हमारा टेंस प्लेस पे है और 8 हमारा वंस प्लेस पे है। अब मैंने ये कुछ स्टिक्स ली हैं और इसके ये बंडल मैंने बना लिए। एक बंडल का मतलब है कि 1 10 इज अ ग्रुप ऑफ टेंस वंस। इसमें हम देखते हैं ये 1 बंडल है और इसमें स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 स्टिक्स हैं, तो ये हमारे पास हो गया 1 10s। अब ये मैं यहाँ पे रख दूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 10s है और यहाँ पे हमारे पास 5 1s हैं, तो यहाँ पे हम 5 1s रखेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब ये हमारे पास 2 10s हैं, तो यहाँ पे हम 2 bundles रख देंगे और ये हमारे पास 8 1s हैं, तो यहाँ पे हम 8 1s रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से बंडल्स देख के आप बच्चे को क्या बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 10s हैं तो हमारे पास 2 bundles हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 10s हैं तो ये 1 bundle है। जिसके पास बंडल ज्यादा होंगे वो नंबर बिगर है और जिसके पास नंबर कम होंगे वो नंबर स्मॉलर है। तो हमारे केस में यहाँ पे 15 स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे 15 को ऐसे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास जिसमें हमारी टेंस प्लेस जो है वो सेम है, जैसे 6 जो है वो टेंस प्लेस में है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये 3 हमारा वंस प्लेस में है और यहाँ पे 8 हमारा वंस प्लेस में है। अब इस केस में हमने इस टेंस प्लेस को इग्नोर कर देना है और बच्चे को कहना है कि राइट वाला नंबर देखे। इस केस में हमारे पास 3 और 8 है। अब इसमें बच्चा देखेगा कि नंबर लाइन में कौन सा नंबर पहले आता है, 3 पहले आता है या 8 पहले आता है। तो 3 पहले आता है, जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है। तो इस केस में हम इस 63 को ऐसे सर्कल कर देंगे और ये हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। अब और 68 हमारा बिगर नंबर हो जाएगा। बच्चे से कहिए कि एक नंबर जब स्मॉलर होता है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली बिग हो जाता है, इसलिए आपको बच्चे को बिगर और स्मॉलर नंबर अलहदा अलहदा सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को ये समझाएं कि जब एक स्मॉलर होता है तो दूसरा बिग हो जाता है और जब एक नंबर बिग होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।